नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट में मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते से दिल्ली NCR और UP की एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दरअसल पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन और बढ़ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी उतनी ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कपकपा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 17-18 दिसंबर को भारी बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति से लेकर मंडी में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात झारखंड के मौसम की करें तो 17 दिसंबर को राज्य में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। यहां मंगलवार की सुबह भी रांची समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर तक लगातार तापमान में गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 29.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा बोकारो रहा, यहां का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में 18 दिसंबर से एक बार फिर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए और मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।